जैकबोर्ड ने फाइनली आप लोगों का पॉलिटिकल साइंस का भी आप लोगों का मॉडल पेपर जारी कर दिया है, और मॉडल पेपर जो आप लोगों का जारी हुआ है पॉलिटिकल साइंस का, इसमें इसके पैटर्न में बदलाव नहीं बल्कि काफ़ी बड़ा बदलाव कर दिए गए हैं। भले एग्जाम से पहले हम लोगों को बता दिया गया, नहीं तो एग्जाम में बहुत दिक्कतें का हम लोगों को सामना करना पड़ता, क्योंकि एग्जाम पैटर्न में इतना बड़ा बदलाव हुई है, याद रखिएगा, खास करके पॉलिटिकल साइंस में। आप देखेंगे तो आपको लगेगा, अंदर से फील होगा कि हम लोग अभी तैयारी पॉलिटिकल साइंस में 50% तक अभी हम लोग नहीं कर पाए। आप जब मॉडल पेपर को अच्छी तरह से देखेंगे तो मॉडल पेपर जो आप लोग आया है, इसमें आपको 3 लेक्चर में कन्वर्ट करने वाला हूँ, जहाँ पे आज मैं आपके सामने बताने वाला हूँ फुल्ली ऑब्जेक्टिव। फिर इसके बाद मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ जो होगी इसके बाद भारी शॉर्ट क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन। फिर मैं एक ऐसा वीडियो लेकर आने वाला हूँ जहाँ पे आप लोगों का लॉन्ग क्वेश्चन का सारा बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन करके आप लोगों को प्रोवाइड किए जाएंगे। देखिए, क्वेश्चन और आंसर आपको तो मिल जाएगा कहीं से ना कहीं से, लेकिन आपको समझ में आना बहुत जरूरी है। सारा क्वेश्चन को रट्टा लगाना पॉसिबल नहीं है, इसलिए जब भी क्वेश्चन को देखें याद रखिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि अभी तो आप लोगों का एक मॉडल पेपर जारी किया गया है ना, इस तरह से आप लोगों को 5-5 मॉडल पेपर आएगी और पांचों मॉडल पेपर को रट्टा लगाना पॉसिबल नहीं हो पाएगी। अगर आप लोग चाहते हैं सर हम लोग इसी तरह से मॉडल पेपर से रिलेटेड शॉर्ट क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन का सोल्यूशन करवाइए, तो जल्दी से एक बार कॉमेंट सेक्शन खुला हुआ है, कॉमेंट करना ना भूले। चलिए मिलते हैं हम लोग क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन पेपर आने से पहले मैं बता दूं, आप लोगों को अच्छी तरह से पता होगा, आप लोगों को हर एक सब्जेक्ट में आप लोगों को 52 क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, 30 क्वेश्चन आप लोगों को ऑब्जेक्टिव होगी और आपका 7 से 8 क्वेश्चन होगा वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, जो दो हर एक क्वेश्चन दो दो मार्क्स के होगी। ठीक है, हम लोग चलते हैं सर क्वेश्चन की ओर। पहला जो क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी। देखिए, भारत में राज्य के पुनर्गठन आयोग की स्थापना जो किए गए थे वो 1953 में किए गए थे। कहाँ पे, याद रखिएगा, 1953, यानी ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। बस आप लोग अगर चाहते हैं सब्जेक्टिव का भी क्वेश्चन हम लोग को जल्दी से चाहिए, तो आप लोग कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, कमेंट कीजिए। आप लोग जैसे ही कमेंट करेंगे, आप लोगों के लिए मैं तुरंत जो है आप लोगों का सब्जेक्टिव क्वेश्चन का सारा सॉल्यूशन बताने वाला हूं। इनमें से कौन सा सोवियत संघ के विघटन का परिणाम नहीं है। देखिए, सोवियत संघ के विघटन का परिणाम है ये नहीं पूछे गए हैं, बल्कि यहाँ पे आपसे पूछे गए नहीं है, तो बताएंगे सर मध्य पूर्व में संकट क्या हो जाएगी, मध्य पूर्व में संकट, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर, अगला क्वेश्चन है कि इनमें से किस क्षेत्र में अमरीकी वर्चस्व देखा जा सकता है, अमरीकी वर्चस्व देखा जा सकता है, ये आपसे पूछे गए हैं, तो देखिए सैन्य, आर्थिक, संस्कृति या उपयुक्त सभी, तो इस तरह देखा जाए तो ऑप्शन नंबर डी हम लोग तीनों को ही देख सकते हैं, इस ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं कि नीति आयोग ने भारत सरकार के किस संगठन का स्थान दिया, बहुत इंपॉर्टेंट। सबसे पहले आपको बता होना चाहिए, देखिए नीति आयोग जो है ना, याद रखिएगा, नीति आयोग जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा ही आपके पेपर में क्वेश्चन आएगी। सबसे पहले नीति आयोग को ना हम लोग योजना आयोग से जानते थे, किसे, योजना आयोग से जानते थे। योजना आयोग जो है ना वो 1950 में शुरू हुआ था, नोट डाउन कर लीजिएगा, सब क्वेश्चन रोटेट करेगी। और नीति आयोग जो है ये मोदी द्वारा चला गया है और 2014 में इसकी शुरुआत की गई थी। पहला एक बात और याद रखिएगा, नीति आयोग हो या योजना आयोग हो, इसका अध्यक्ष कभी भी पूछे जाए तो इसका, याद रखिएगा, अध्यक्ष होता है देश के प्रधानमंत्री, याद रखना, ये भी आपको तीनों क्वेश्चन को कान में गूंज के रख लेना है। अगला क्वेश्चन कि बांग्लादेश किस वर्ष आजाद हुआ था, जिससे भारत 1947 में आजाद हुई थी, आजाद हुआ था, ठीक इसी तरह से बांग्लादेश जो है कब आजाद हुई थी, ये क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछे गए। तो देखिए ऑप्शन आपके सामने, चार ऑप्शन दिए गए, 1971, 1965, 1972, 1961, तो आपको बताना होगा इसका राइट आंसर, तो 1971 इसका बिल्कुल सही उत्तर आ जाएगी। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, अगला क्वेश्चन है कि बॉम्बे योजना का उद्देश्य क्या था, जो बॉम्बे योजना है इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, तो बताएंगे सर सरकार को औद्योगिक और आर्थिक निवेश के क्षेत्र में बड़े कदम उठाना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर जो 7 है हम लोगों के पास, प्रथम पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था, प्रथम पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य जो था, याद रखिए कब तक चला गया था, 1951 से 1956 के बीच में चला गया था। दूसरा पंचवर्षीय योजना 56 से 61 के बीच में चला गया था, ये सबको आप लोग नोट डाउन करते रहिएगा, ठीक है। और द्वितीय पंचवर्षीय योजना में जो है ना उद्योग पर बल दिया था, कहाँ पे, उद्योग पर आपसे यहाँ पे पूछे गए प्रथम में, तो प्रथम में कृषि पर बल दिया था, किसी में, कृषि, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है सर, फराक्का समझौता किन दो देशों के बीच हस्तांतरित हुआ है, फराक्का समझौता, मैंने चीख चीख के आप लोगों को क्लास में पढ़ाते, जो खास करके एप्लीकेशन के माध्यम से पढ़ रहे हैं, चाहे वो फाउंडेशन कोर्स हो या क्रैश कोर्स हो या आप लोगों का सफलता कोर्स हो, तो आप में से स्टूडेंट जो अभी तक हमारे एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड नहीं किए, तो जल्दी से जाएं मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड करें, डाउनलोड करने के बाद आप खास करके ना क्रैश कोर्स को जरूर ज्वाइन कीजिएगा मेरे शेर और शेरनी, क्योंकि क्रैश कोर्स में आप लोगों को ऐसा ऐसा क्वेश्चन बताया जा रहा है जो आपके पेपर में डायरेक्टली छपने वाले हैं। तो याद रखिएगा, फराक्का समझौता भारत और बांग्लादेश के बीच में हुआ था, इन ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है सर, ऊर्जा संरक्षण विधेयक किस वर्ष पारित किया गया था,
यह क्वेश्चन मैंने आप लोगों को नहीं बताया था, इसका राइट आंसर याद रखिएगा 2001 हो जाएगी, क्या हो जाएगी 2001 इसका सही उत्तर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है, ये क्वेश्चन मैंने चीख चीख के बताया था कि सीमांत गांधी के हम लोग नाम से जानते हैं खान अब्दुल गफ्फर खान, क्या हो जाएगी खान अब्दुल गफ्फर खान, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर, किस देश ने अटलांटिक चार्टर पर हस्ताक्षर किए थे, आपको बताना है यहाँ पे कि किस देश ने अटलांटिक चार्टर पर हस्ताक्षर किए थे, ठीक है सिग्नेचर किए थे आपसे यहाँ पे पूछे गए, तो बताएंगे सर अमेरिका ब्रिटेन थे, कौन कौन देश थे अमेरिका ब्रिटेन, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट, इस क्वेश्चन को आप लोग थोड़ा सा स्टार करके रख लीजिए, ठीक है ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं, पंचशील समझौता किस वर्ष पर हस्तक्षेप किए थे, सबसे पहले आपको पंचशील समझौता, ये चार मार्क्स का आपके पेपर में आएगा क्वेश्चन, पंचशील समझौता के बारे में संक्षिप्त में टिप्पणी लिखना है, तो पंचशील समझौता किस किस देश के बीच में हुआ था, याद रखिएगा भारत और एक देश का नाम आपको याद रखना है चीन, याद रखना है क्या नाम रखना है चीन, ठीक है पर कब शुरू किए थे तो 1954 में, याद रखना है क्या 1954 कौन महीना था अप्रैल महीना था। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, वैश्वीकरण के संदर्भ में प्रवाह शब्द का क्या अर्थ होता है, वैश्वीकरण के संदर्भ में प्रवाह शब्द का अर्थ होता है क्या, याद रखिएगा उपयुक्त सभी, इन ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि 1965 के युद्ध की समाप्ति पर भारत और पाकिस्तान के बीच किस समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे, कब हुआ था 1965 में, कौन से समझौते थे, मैंने चीख चीख के आपको बताया था कि ताशकंद समझौता, याद रखना है क्या ताशकंद समझौता इसका करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं कि कोई भी राष्ट्र अपनी विदेश नीति को ध्यान रखकर बनाता है, याद रखना है क्या कोई भी राष्ट्र अपने विदेशी नीति को या विदेश नीति को ध्यान में रखकर बनाता है, क्या ध्यान में रखा जाता है यह आपसे यहाँ पे पूछे गए हैं, तो याद रखिएगा राष्ट्रीय हित को देखकर बनाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी, ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, भारत ने 1968 की परमाणु अप्रसार संधि पर हस्तक्षेप क्यों नहीं किए थे, भारत ने 1968 में जब सभी देश परमाणु प्रसार अपर्सी एंटी सिटी शायद सी टी बी टी याद रखिए CTBT पर सब हस्तक्षेप कर रहे थे पर भारत इसमें हस्तक्षेप नहीं किए थे, इसका रीजन आपसे पूछा गया क्योंकि भारत इसे भेदभावपूर्ण मानता है, और भारत के परमाणु परीक्षण क्या था, उनका कहने का मकसद था कि मैं अपने रक्षा के लिए बनाया हूँ ना कि मैं किसी देश को वार करने के लिए बनाया हूँ। इनमें से किस देश ने खुले द्वार की नीति अपनाई थी, मैंने चीख चीख के बताया था आप लोगों को, क्या हो जाएगी चीन का राइट आंसर हो जाएगी, क्या हो जाएगी मेरे शेर शेर नहीं हो चीन इसका राइट आंसर हो जाएगी। और मैं बार बार कह रहा हूँ कि अगर आप लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखना चाहते हैं वेरी शॉर्ट क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन को एक बार दबा करके कमेंट सेक्शन खुला हुआ है कमेंट कीजिए, मैं तुरंत आप लोगों का मैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर आने की कोशिश करूंगा। राष्ट्रीय आपातकाल किस वर्ष घोषित किया गया था, राष्ट्रीय आपातकाल यहाँ पे आपसे पूछे गए तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा 1975, क्या हो जाएगी 1975, यानी ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल जो राइट आंसर होगा सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, भारत सरकार द्वारा राजा महाराजाओं को दिए जाने वाले विशेष विशेष अधिकार को कहा जाता था, तो क्या कहा जाता था यहाँ पे आपसे ये पूछे गए हैं, तो बताएंगे सर प्रिवी पर्स कहा जाता था, क्या प्रिवी पर्स, और इससे रिलेटेड ये आपके क्वेश्चन से रिलेटेड आपके पेपर में चार मार्क्स का क्वेश्चन छपेगी प्रिवी पर्स क्या है, ठीक है। 1962 में किस देश ने क्यूबा पर परमाणु मिसाइल तैनात की थी, 1962 की बात आए तो जब जब 1962 की बात आए आपको याद रखना होगा सोवियत संघ, क्या हो जाएगी सोवियत संघ, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगी। शिमला समझौता याद रखिएगा भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था एक शिमला समझौता, और यह हुआ था 3 जुलाई 1972 को, कब 3 जुलाई 1972, यानी ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा बी इज द करेक्ट आंसर। और क्लास देखने के बाद अगर थोड़ा सा भी दिल से अच्छा लगे तो लाइक कराना भूलिए, और अपने दोस्तों को ना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि उनको पता चले, जो भी व्यक्ति पॉलिटिकल साइंस लेकर स्टडी कर रहे हैं उनको पता चले कि हमारे पॉलिटिकल साइंस में मॉडल पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन कैसे पूछे गए। प्रथम गुट निपज सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था, बेलग्रेड में, कहाँ पे, तो बेलग्रेड इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा मेरे शेर शेर न्यू बेलग्रेड इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, बामसेफ का मतलब क्या है, यानी बामसेफ का फुल फॉर्म आपसे यहाँ पे पूछे गए हैं। देखिए बामसेफ का फुल फॉर्म आपका याद रखना होगा बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटीज एम्प्लॉयज फेडरेशन, यानी ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए इसका राइट आंसर हो जाएगी। वैश्वीकरण से राज्य की क्षमता में होती है, वैश्वीकरण से राज्य की क्षमता से क्या होती है, तो बताएंगे सर 24 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा कमी, क्या होती है
कमी, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, मणिपुर के उस राजा का नाम बताएं जिसने भारत सरकार के साथ भारतीय संघ में विलय के दस्तावेज पर हस्तक्षेप किए थे। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन मेरे अकॉर्डिंग आज का सबसे टफ क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा महाराजा बोधचंद्र सिंह। क्या रहा जी? महाराजा बोधचंद्र सिंह, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, पृथ्वी के वायुमंडल में मौजूद कौन सी गैस लगातार कम हो रही है? तो पृथ्वी में सबसे ज्यादा गैस जो है ना लगातार कम होती जा रही है, वो कौन सी गैस है? याद रखिएगा ओजोन। क्या हो जाएगी? ओजोन, इन ऑप्शन नंबर 26 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगी। और ओजोन परत की अगर कमी होती जाएगी तो पराबैंगनी किरण हमारे धरती पर आते रहेंगे और सारा का सारा व्यक्ति मोतियाबिंद से ग्रसित हो जाएगी, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार है? ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सा गैस जो है जिम्मेदार है? तो कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इन ऑप्शन नंबर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन किस वर्ष आयोजित किया गया? सबसे पहले कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था? 1885। इसने किया था? ऑक्टेवियन ह्यूम ने, याद रखिएगा ऑक्टेवियन ह्यूम, A.O. ह्यूम, इसका पूरा नाम आपको याद रखना है। तो 28 का जो बिल्कुल सही उत्तर होगा 1920 में हुआ था, कब? 1920, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, पहला अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी शिखर सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? तो ये इसका जो राइट आंसर हो जाएगी, याद रखिएगा 1992 में, कब? 1992 इसका राइट आंसर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीफ ऑफ नेशन का उत्तराधिकारी कौन सा संगठन था? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत ही अंदर वाले क्वेश्चन है, याद रखिएगा। इसको हम लोग बोलते हैं सर UNO, यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना याद रखना है 24 अक्टूबर कब हुई थी सर? 24 अक्टूबर 1945, कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 इसका राइट आंसर हुआ था। तो चलिए हम लोग देखते हैं आप यहाँ से वेरी शॉर्ट क्वेश्चन कि आपके पेपर में जो दो दो मार्क्स का पूछे गए हैं, सारा का सारा मैं सोल्यूशन आप लोगों को सब्जेक्टिव का अगला वीडियो में बताने वाला हूँ। बस मैं वेट करता हूँ आप लोगों का कॉमेंट सेक्शन का। और आप लोग चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटा को जरूर दबाइएगा, ताकि आप लोग सब्सक्राइब तो कर लेते हैं पर घंटा को नहीं दबाते, जिस कारण से आपके पास नोटिफिकेशन नहीं पहुंच पाती है। आप घंटा को दबाएंगे तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचेगी। तो चलिए देखते हैं कितना ऐसे स्टूडेंट है जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए इंटरेस्ट रखते हैं। मिलते हैं नया वीडियो में।